नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। जहां एक तरफ डेंगू और वायरल बुखार ने प्रदेश में हाहाकार मचा रखा है, वहीं डेंगू और वायरल बुखार के शिकार बच्चों में खून की कमी के चलते प्रदेश में खून की काफी ज्यादा मांग है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स द्वारा SN मेडिकल कॉलेज के आह्वान पर एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिससे डेंगू से पीड़ित मरीजों में खून की कमी को पूरा किया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। वहीं इस कैंप में NCC कैडेट्स द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया गया। वहीं SN मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने बताया कि आज 50 यूनिट ब्लड डोनेट किया जा रहा है। तो तस्वीरें आगरा से आप देख रहे हैं। दरअसल बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर वायरल बुखार और डेंगू की वजह से बच्चों की जान जा रही है, मरीज लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में उनमें खून की कमी भी हो रही है। इसी वजह से ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जिसमें NCC कैडेट्स ने भाग लिया और बढ़ चढ़कर यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है। अभी जो हमारा आज आगरा कॉलेज में जो ब्लड डोनेशन कैंप है, इसका मेन पर्पस अभी जो है, आज अभी ये मौसम के हिसाब से देखा जाए तो डेंगू और वायरल फीवर में अभी प्लेटलेट की पेशेंट में बहुत काफ़ी ज़रूरत है। तो हम इसे छोटा वाला पैक बनाते हैं, हमारे पास रेफरेंस मशीन भी है, हम उसे जम्मू पैक भी बना रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट, जैसे थैलेसीमिया पेशेंट, कैंसर पेशेंट, डायलिसिस पेशेंट, डायनी के जो रूटीन केस होते हैं उनमें ब्लड की काफ़ी डिमांड है। तो अभी जो ब्लड की जो उसको देखते हुए, डिमांड को देखते हुए हमको डोनेशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो हमने आगरा कॉलेज में जो प्रिंसिपल सर हैं और डॉक्टर रीता निगम हैं, उनसे हमने कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने यह ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। इसमें जो NCC कैडेट हैं वो काफ़ी आगे डोनेट कर रहे हैं। महिला विंग भी है, पुरुष विंग भी है, तो काफ़ी बच्चे करीब 50 के लगभग डोनर यहाँ पर अवेलेबल हैं। सुबह से 10 बजे से डोनेशन स्टार्ट हुआ है और लगातार ये डोनेशन प्रक्रिया चल रही है। अभी तक करीब 15 यूनिट हमारे पास कलेक्ट हो चुके हैं और काफ़ी डोनर रखा है कि समथिंग कितना कलेक्ट करना चाह रहे हैं। हाँ, आज के जो कॉलेज की तरफ से जो लक्ष्य रखा गया वो 50 डोनेशन के लगभग लक्ष्य रखा गया। तो हमारी कोशिश ये है कि हम जो एलिजिबल डोनर्स हैं उनका ब्लड डोनेट हम कलेक्शन कर पाएँ और मरीजों की सेवा करें। वहीं बाराबंकी जिले में आज दरियाबाद विधायक सतीश शर्मा ने घाघरा नदी के बाढ़ क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि BJP सरकार हमेशा गरीब, बेबस, लाचार और जरूरतमंदों के साथ खड़ी रहने वाली है। उन्होंने कहा कि BJP सरकार गरीबों के हित में जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर सभी को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। जिन लोगों को आज तक कोई सुविधा नहीं मिली उन लोगों तक भी ये कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ठीक समय और ठीक ढंग से राहत सामग्री पहुंचे, इसके लिए प्रदेश सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बाढ़ पर निगाह बनाए हुए हैं और इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सभी की मदद को तैयार है। बाराबंकी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कई गांव हैं जो कि बाढ़ के चपेट में हैं। तो यहाँ विधायक सतीश शर्मा ने राहत सामग्री उन बाढ़ प्रभावितों को बांटी है जो लगातार इससे जूझ रहे हैं। आगरा में अवैध खनन के काले कारोबार पर आखिरकार पुलिस सख्ती से कार्रवाई करते नजर आ रही है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान खनन की बालू से भरे 3 ट्रकों को सील कर दिया। ये सभी ट्रक राजस्थान के बताए जा रहे हैं। मामले में पुलिस द्वारा रिपोर्ट तैयार कर RTO और खनन विभाग को भेज दी गई है। बता दें कि कार्रवाई CO अश्नेरा के नेतृत्व में थाना कगरोल में की गई। तो ट्रक और ट्रैक्टर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बालू से भरे ये 3 ट्रैक्टर, इसके अलावा ट्रक भी लगातार बालू से भरे हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें सील कर दिया गया है। कोतवाली अश्मीरा आगरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अवैध खनन पर पुलिस की लाठी लगातार चल रही है, पुलिस की सख्ती से 3 बालू से भरे ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। वहीं बदायूं में एक टेम्पो चालक की पिटाई का वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जिले के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के महिला अस्पताल के सामने एक टेम्पो चालक रोडवेज के पास खाना खाने जा रहा था, तभी होमगार्ड ने टेम्पो चालक को रोक लिया।
इसी बात को लेकर होमगार्ड और टेम्पो चालक में कहासुनी होने लगी। इसी दौरान होमगार्ड ने पुलिस विभाग की क्रेन को बुला लिया और क्रेन के ड्राइवर ने टेम्पो चालक की जमकर पिटाई की और उसे जबरन केन में बिठाकर ले गए। बता दें कि पिटाई करने वाला व्यक्ति बदायूं पुलिस की क्रेन का ड्राइवर है, जो कि संविदा पर क्रेन चालक के रूप में तैनात है। बदायूं की तस्वीरें आप देख रहे हैं। टेम्पो चालक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। देख सकते हैं आप, टेम्पो चालक की जमकर ये पिटाई करता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक थप्पड़ की बौछार करते हुए ये शख्स नजर आ रहा है। वहीं गोरखपुर में पुलिस को लड़कियों की बरामदगी में अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। आलम यह है कि जो दारोगा ईमानदार हैं, वे इस तरह के केस से पीछा छुड़ाने के लिए लाइन हाजिर हो जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बता दें कि गोरखपुर जोन में वर्तमान में करीब 270 के करीब लड़कियां लापता हैं, जिन्हें अपहरणकर्ता बहला फुसलाकर यूपी से बाहर ले गए। अब पुलिस को उनके ठिकानों की जानकारी तो नहीं है, पर जाकर उन्हें पकड़ने में आने वाले खर्च से पुलिस डर रही है और पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है। वहीं जिन मामलों में लड़कियों के परिजन अपने स्तर से पुलिस की मदद या कहीं खर्च उठाने को तैयार हैं, उन मामलों में लड़कियां जल्द बरामद कर ली जा रही हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर गोरखपुर के जिस मामले में टिप्पणी की थी, उसमें भी यही कहानी थी। मामले में बेलीपार थाने की पुलिस को जानकारी थी कि अपहरणकर्ता लड़की को लेकर कोलकाता में छिपा है, पर गोरखपुर से कोलकाता तक जाने में आने जाने वाले खर्चे को लेकर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। गोरखपुर का यह पूरा मामला है बेहद ही संवेदनशील, जहां पर करीब 270 के लड़कियां जो हैं वो लापता हैं। अपहरणकर्ता उनका अपहरण कर या तो प्रदेश से बाहर ले जा रहे हैं या फिर देश से बाहर ले जा रहे हैं, लेकिन गोरखपुर पुलिस जो है वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। गोरखपुर सीएम सिटी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर लगातार अपराध बढ़ रहा है। करीब 270 लड़कियाँ गायब हैं, लापता हैं, लेकिन उन्हें ढूंढने में पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। पुलिस का कहना है कि आने जाने में काफ़ी खर्चा होता है, जिसकी वजह से वो हाथ पर हाथ धर के बैठे रहते हैं। और गोरखपुर से मेरे सहयोगी मृत्युंजय पांडे मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोरखपुर से मृत्युंजय, इतना बड़ा मामला, गोरखपुर सीएम सिटी है, वहां पर करीब 270 लड़कियां लापता हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, क्या वजह है? देखिए कानून, मैं बता दूं आपको कि ये सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, तो गृह जनपद होने के नाते जो है पुलिस तो अपनी जो है पल्ला झाड़ ही रही है, लेकिन जो भी इसके आला अधिकारी हैं वो भी अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के माने तो मुंबई में ये सारी चीजें, जो भी लड़कियों का अपहरण करता है, सारी चीजें वहाँ ये लोग रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ जो बजट आने जाने की, जो गार्जियन के पास बजट नहीं है कि एफोर्ड कर पाए और वो लेके उन लड़कियों को जो है वो छुड़वा पाए। जी, ये मामला है। बिल्कुल मृत्युंजय, देखा जाए तो ये जो 270 लड़कियां बताई जा रही हैं, ये क्या इसी साल लापता हुई हैं या पिछले कई सालों के ये आंकड़े हैं? जी, पिछले जो है कई सालों के आंकड़े मिला के ये अपहरणकर्ता बड़ी गिरोह जो है चल रहा है, और ये सारी आंकड़े जो है कई सालों को मिला के ये पिछले हम माने तो लगभग 2.5 से 3 सालों की ये पूरी मामला जो है चल रहा है, और ये जो पूरी मामला है तो पूरी संज्ञान में है, आला अधिकारी वो पूरे संज्ञान में है, लेकिन कोई अधिकारी इससे जो है, कई अधिकारियों से मैंने बात भी करना चाहिए, लेकिन कोई इससे बात करने के लिए कैमरा के सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि आला अधिकारियों का कहना ये है कि इस मामले में कोई हमें जवाब नहीं देनी है और कोई कैमरा के सामने आने से हिचकिचा रहा है। गौरतलब ये है कि जब योगी आदित्यनाथ ये अपना जो है कह रहे हैं कि कोई भी अपराधी, कोई भी इस तरह का बर्दाश्त करने वाला कोई बख्शा नहीं जाएगा, तो फिर क्या शासन तक इस बात की जानकारी पहुंची है कि गोरखपुर से करीब 270 लड़कियां लापता हैं, अपहरणकर्ता उन्हें लेकर फरार हैं, चाहे वो प्रदेश के बाहर जाना हो या फिर देश के बाहर जाना हो?
बिल्कुल, सूत्रों के माने तो पूरे प्रदेश को या पूरे शासन को ये पता है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, ये सारे शासन को सारी अधिकारी इस बात को जानते हुए भी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ये बहुत निंदनीय है और बहुत जो है ये इस गोरखपुर के लिए बहुत एक तरह से बेकाम साबित हो रही है गोरखपुर प्रशासन कि इसको कोई ठोस कदम, कोई भी इसका निष्कासित, कोई भी ऐसा चीजें नहीं हो रही है कि जल्द से जल्द। और ये जो लड़कियां हैं, इनके जो परिजन हैं, उनके द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, परिजनों का तरोरों का बुरा हाल है। परिजन जो है एक तरह से माने तो डेली जो है शासन प्रशासन की गुहार लगा रहे हैं। डेली एडीजी कार्यालय, डेली डीएम कार्यालय, एसएसपी कार्यालय जाके गुहार लगा रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है और हमारी मदद की जाए। लेकिन सीधा सीधा ये मतलब कहा जा सकता है कि जब पुलिस के पास और इनको सूत्र को माने तो ये पैसा डिमांड कर रहे हैं कि जब तक ये नहीं इतना खर्च अफोर्ड होगा, इतने जाने में लगेगा, आने में लगेगा, तो इतना अगर नहीं रहेगा तो जब तक उन लड़कियों को नहीं छुड़ाया जाएगा। तो ये सारी चीजें लेके सूत्रों के माने तो ये सारी डिमांड पैसा की है, सारी बातें पैसे पे आती रुकती है, इसलिए उन लड़कियों को नहीं छुड़ाया जा रहा है। अभी तक एक भी लड़कियां छूटने में नहीं छूट पाई है। जी बिल्कुल मित्र जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। तो गोरखपुर का ये पूरा मामला है जहां पर 270 के करीब बच्चियां या फिर ये कहें कि लड़कियां गायब हैं, लापता हैं, लगातार थाने में शिकायतें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। बताया जा रहा है कि खर्च के चलते अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। वही बहराइच के थाना फरकपुर के गाजाधापुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो अज्ञात बच्चों की गन्ने के खेत में गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। वही मामले की सूचना मिलते ही सीओ केसरगंज दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और बच्चों के शव की शिनाख्त की कोशिशों में जुट गए। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद भी बच्चों के शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। मृतक बच्चों में से करीब 10 साल की लड़की है जबकि दूसरा 8 साल का लड़का बताया जा रहा है। बहराइच का ये पूरा मामला जहां पर डबल मर्डर से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। दरअसल दो मासूम बच्चों के शव खेत में मिले हैं जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। एक 10 साल की मासूम बच्ची बताई जा रही है, वहीं 8 साल का एक मासूम बच्चा बताया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को बाराबंकी में की गई जनसभा उन्हें लगातार विवादों में फंसा रही है। अब ओवैसी और उनके इवेंट ऑर्गेनाइजर के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उनकी जनसभा में मंच पर तिरंगा फहराने के बजाय लपेटा गया था, जो राष्ट्र ध्वज का अपमान है। यानी ये कहा जा सकता है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सक्रिय है, लेकिन ओवैसी के सक्रिय होने के साथ साथ उनकी मुसीबतें भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पहले उन पर FIR दर्ज हुई है, अब तिरंगे का अपमान का आरोप भी उन पर लगता हुआ नजर आया है। तो बाराबंकी की तस्वीरें आपको बता दें कि गुरुवार को बाराबंकी पहुंचे थे असदुद्दीन ओवैसी और यहां पर उन्होंने जनसभाएं की थी, लेकिन ये जनसभाएं करना उन्हें काफी ज्यादा महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है। और इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। आज दिनांक 9/21 को थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला कटरा चांदना में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें COVID-19 और जो परमिशन दी गई थी उसके शर्तों का खुला उल्लंघन किया गया। इसी क्रम में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने हेतु भड़काऊ भाषण भी दिए गए, जिसमें कहा गया कि राम से नहीं घाट में 100 साल पुरानी मस्जिद को प्रशासन द्वारा तोड़वा दिया गया तथा उसका मलबा भी वहां से पूर्ण रूप से हटा दिया गया। उनका यह वक्तव्य वास्तविकता से बिल्कुल परे था। यह वक्तव्य देकर उन्होंने एक समुदाय विशेष को भड़काने का एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य किया है। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इसलिए ओवैसी योम आयोजक मंडल द्वारा आयोजन की शर्तों योम COVID-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। इसी क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है।
बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने ठगी कर लोगों के खातों से पैसे उड़ाने वाले नाइजीरियन ठगों के गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। बता दें कि नाइजीरियन ठग जैक और उसका गिरोह फर्जी खाते खुलवाकर देश विदेश में ठगी कर अपने काले कारनामों को अंजाम देते थे। वहीं मामले में बरेली की बारादरी पुलिस ने सूचना पर गिरोह के एक साथी को फतेहगंज के धंतिया गाँव से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी के पास से 3,05,000 रुपए, 15 ATM कार्ड, 13 पासबुक, 6 चेकबुक, 8 मोबाइल समेत अन्य कई सामान बरामद किए गए हैं। वहीं गिरोह के सरगना जैक समेत 6 अन्य अभी भी फरार हैं। मामले पुलिस ठगों की तलाश में जुट गई है। इसी के साथ ही पकड़े गए आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। आधार का एड्रेस चेंज करा के खाते खुलवा के अभी बेच देते थे खाते। किस तरीके से पैसा आता था खातों में? अब जो बेचने के बाद में हमारा रोल खत्म हो जाता था, जो लेते थे वो करते होंगे। जैसे कितने लोग शामिल तुम्हारी गैंग में हैं? 6-7। थाना बारादरी में ESP साहब के नेतृत्व में एक ऑनलाइन ठगी का जो गैंग है वो पकड़ा गया है। इसमें जो मुख्य सक्रिय अभियुक्त है शाहिद खान, जो धंतिया फतेहगंज पश्चिमी का रहने वाला है, उसके पास से लगभग 13 ATM कार्ड, लगभग 1 दर्जन के आसपास मोबाइल फोन्स, 6 बैंक्स की पासबुक्स, लगभग 3,05,000 रुपये कैश बरामद हुआ है। पूछताछ पर इसने बताया है कि इनका जो मैन सरगना है वो एक नाइजीरियन है जिसका नाम जैक मोहम्मद है और वो दिल्ली में रहता है और वो इससे व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से जुड़ा हुआ है। वो इनके साथियों को प्रलोभन देता है और इनके फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाता है और जो पैसा उनके अकाउंट में आता है उसका एक छोटा सा हिस्सा 8-10% का वो इनको देता है। बाकी जब वो अकाउंट में पैसा पहुंचता है ये साइबर फ्रॉड का, तो ये छोटे छोटे अमाउंट में वो पैसा निकाल लेते हैं जो इनके अकाउंट होल्डर होते हैं और उसके बाद इनके सक्रिय सदस्य जो साजिद खान हैं उनको पैसा वो दे दिया जाता है और वो फिर वो नाइजीरियन को दिल्ली में जाके वो डिलीवर कर देते हैं। इस तरीके से एक बहुत ही सक्रिय गैंग का ऑनलाइन फ्रॉड का थाना बरादरी के द्वारा सफल वो किया गया है। इसने पूछताछ पे अपने कई और साथियों के नाम बताए हैं जिनके बारे में भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं और किन अकाउंट्स में ये पैसा आता था, किन अकाउंट्स में ये पैसा जाता था, इसके भी हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज प्राप्त कर रहे हैं। बिजनौर के थाना कोतवाली क्षेत्र में कोटिया कॉलोनी के रहने वाली 24 साल की बबीता नाम की खो खो खिलाड़ी का शव बिजनौर रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक के किनारे मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची GRP पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या किसने और क्यों की अभी इन कारणों का पता नहीं चल पाया है। महिला खो खो खिलाड़ी का शव मिलने के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतका के घर वालों ने GRP पुलिस को हत्या की तहरीर देते हुए अज्ञात हत्यारे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इस घटना को लेकर GRP पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। तो बिजनौर का एक पूरा मामला जहां पर खो खो खिलाड़ी का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल रेलवे ट्रैक के किनारे मिला था महिला खो खो खिलाड़ी का शव। हमें ना सुबह को 11:40 पे निकली वो घर से रिज्यूम लगाने के लिए कॉलेज में दूसरे, क्योंकि GIC में हो नहीं रहा था काम, प्राइवेट स्कूल खुल चुके हैं, वहाँ गई तो वो गई GIC में, निर्मल मैम से बात हुई। 11:40 पे वो घर से निकली है, 11:40 पे निकली, हमें पता नहीं था कि मतलब अब आएगी अब आएगी, हमने सोचा फ़ोन ट्राई कर लेते हैं, फ़ोन ट्राई किया, फ़ोन आ रहा बंद। थोड़ी देर बाद में चाची की चिल्लाने की आवाज़ आ गई कि वो तेरी ताई का फ़ोन आया है कि पीछे कोई लड़की पड़ी है। देखो वैसी हालत में, बदहोश हालत में। फिर उसके बाद हम सब भाग के आए, हमारे पैरों की ज़मीन खिसक गई। उन्होंने पूछा बबली है, मैंने कहा नहीं है। हम भाग के आए सब, देखा तो वो रेलवे ट्रैक में जो वे पटरियाँ रखी हैं ना उनके बीच में पड़ी मिली है, गले में दुपट्टा बहुत खींच के किसी ने जैसे गला कस के खींचा हो, उसका निशान भी है, हाथ पे खरोंच के निशान है, जबरदस्ती हुई है उसके साथ। गोंडा में अधिवक्ता लगातार तहसील सदर के उपजिलाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर हड़ताल करने को मजबूर हैं। बीते दिनों सिविल बाग के महामंत्री से थानेपुर के नायब तहसीलदार ने अभद्रता की थी, जिसका विरोध करने पर उपजिलाधिकारी के आदेश पर सैकड़ों अधिवक्ताओं के खिलाफ कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया गया था। वहीं मुकदमा वापस लेने की मांग और ग्राम न्यायालय का लगातार विरोध कर रहे अधिवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी।
अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक मौजूदा अधिकारी का स्थानांतरण करने के साथ तहसील सदर में फैली भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था सही नहीं हुई, तब तक वकीलों का आंदोलन चलता रहेगा। पहला ग्राम न्यायालय की स्थापना, पहला सवाल यह है कि ग्राम न्यायालय का की जो स्थापना हो रही है पूरे प्रदेश के अंदर, जिसमें विशेष करके गोंडा जनपद चयनित कर लिया गया है। अभी ग्राम न्यायालय की एक स्थापना मनकापुर में की गई है, जो ग्राम न्यायालय के एक्ट के विपरीत है। एक्ट जो कह रहा है कि तहसील के मध्यवर्ती इलाके में बीचों बीच में इसकी स्थापना की जाएगी, इसका अपना भवन होगा, इसके अपने संसाधन होंगे। न्यायालय परिसर में ग्राम न्यायालय की स्थापना नहीं हो सकती है, और ग्राम न्यायालय की स्थापना तहसील मनकापुर के न्यायालय परिसर में किया गया है, जहां SDM की न्यायालय, तहसीलदार की न्यायालय चलती है और चार और न्यायालय चलती है नायब तहसीलदारों की। वहां ग्राम न्यायालय की स्थापना नहीं हो सकती। वहां न्यायालय पर अगर स्थापना हुई तो जो वास्तव में न्याय मिलना चाहिए आम जन को, वो नहीं मिलेगा। इस सवाल को लेके हम आंदोलित हैं कि जब तक विधि पूर्वक एक्ट के मुताबिक न्यायालय की स्थापना की सारी सुविधाएं नहीं हो जाती हैं, तब तक मुख्यालय पर ग्राम न्यायालय की स्थापना उसी तरीके से न्यायालय परिसर में रखा जाए जैसे किया गया। क्या मानते हैं किसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है? हम ये मान के चलते हैं कि जो राजनीतिक दबाव, प्रशासन का दबाव है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके अपने नियम हैं, उस नियम के तहत रिपोर्ट मांगी जाती है, और आधी अधूरी रिपोर्ट प्रशासन ने भेजा, उस आधी अधूरी रिपोर्ट को सही मानते हुए राजनीतिक दबाव में, सरकार के दबाव में यह स्थापना की गई है। इसके विरोध में क्या दिनांक 17 तारीख से अब तक यह आंदोलन चल रहा है विभिन्न रूपों में, लेकिन इधर 3 दिनों से हमने रास्ता जाम किया है अंबेडकर चौराहा का। सोमवार को हमारी दूसरी मीटिंग सिविल बार के सभागार में होगी, अधिवक्ताओं की राय से आगे का निर्णय लिया जाएगा। अगर आपकी मांगे न पूरी हुई तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आपका आंदोलन तो चल ही रहा है, अगला रुख क्या होगा? ये बात सोमवार को सिविल बार एसोसिएशन के सभागार में तय होगी कि आगे का आंदोलन ग्राम न्यायालय का किस रूप में चलाया जाए। महाराजगंज में चर्चित SSP जवान की पत्नी और प्रेमिका जिला परिवहन कार्यालय के सामने भीड़ के बीच में आपस में उलझ गई। नौबत यहां तक आ गई कि सरेआम दोनों मारपीट करने लगी। बताया जा रहा है कि जवान की प्रेमिका दिल्ली से महाराजगंज आकर रह रही है। इसकी भनक लगने के बाद जवान की पत्नी भी अपनी बेटी के साथ पति और अपने परिवार को बचाने की कोशिश में महाराजगंज में ही रह रही है। IGRS पर दर्ज शिकायत के निस्तारण के लिए SSP जवान, उसकी पत्नी और प्रेमिका को महिला थाना बुलाया गया था, जहां SSP जवान नहीं पहुंच सका, जिसके बाद इस मामले में अगली तारीख पड़ गई। शुक्रवार को महिला पुलिसकर्मी ने दोनों को थाना परिसर से बाहर भेजा और थोड़ी देर बाद दोनों आपस में भिड़ गई, मारपीट करने लगी। इसी दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तो महाराजगंज का ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जवान की प्रेमिका और पत्नी आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही हैं। डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन जब यही भगवान अपने मरीजों के साथ लापरवाही बरतने में जरा भी संकोच नहीं करते तो सवाल उठना लाजमी है। ताजा मामला रायबरेली शहर के एक निजी नर्सिंग होम का है, जहां एक प्रसूता के पति ने नर्सिंग होम की संचालिका पर पत्नी के अबॉर्शन के दौरान उसके पेट में औजार के टुकड़े छोड़ने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया, जिसके बाद नर्सिंग होम संचालिका ने उसका अबॉर्शन करके औजार को बाहर निकालने का आश्वासन दिया। इसी बीच मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारी वाइफ का प्रेग्नेंट थी, जो अल्ट्रासाउंड के लिए बोले 2 दिन पहले आए थे, तो बोले कि अल्ट्रासाउंड करवा लो, तो अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें बोले कि तुम्हारा बच्चा खराब हो चुका है, तो उसको सफाई करवाना है। तो हम लेके आए DMC, ये DMC की DMC करते समय
हथियार जो होता कैंची वगैरह जो भी हो तो टूट गया बोली, तो दोबारा फिर डीएनसी की है बेहोश करके, उसके बाद भी नहीं निकला। क्या क्या टूट गया, क्या है अंदर, कैंची है या कोई औजार है सर, उसमें अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है बराबर सर। तो बोले कि हम इसको हम निकालेंगे, तो निकालने के लिए बोली चार दिन की दवा ले लो, चार दिन बाद हमें फिर बुलाएं, चार दिन बाद में फिर आया तो फिर कोशिश की, बोले हम कोशिश किए हैं लेकिन निकला नहीं है सर। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर जब तक ये निकल नहीं रहा है तो ये पूरी जिम्मेदारी नहीं कि हम ये प्रॉब्लम से जब तक प्रॉब्लम से पेशेंट को निकालेंगे नहीं तो हमारी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी। किस हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया है आपने जी? किस हॉस्पिटल में आपने ऑपरेशन करवाया जी? जी संजीवनी हॉस्पिटल सर। बता रहे हैं कोई प्रेगनेंसी का ऑपरेशन हुआ था जी? वही क्या हुआ है पूरा मामला? डीएनसी हुई है, उसमें जो जिससे सफाई की जाती है औजार का अंदर टुकड़ा हमको लगता है छूट गया, वाला टूट गया, ऐसा नहीं है टूट गया। अब ये तो औजार होता है स्टील का बना हुआ होता है, अब कैसे टूट गया हम नहीं बता पाएंगे। और इनको मैं एक महीने बाद बुला रही हूँ कि उसको दोबारा डीएनसी करके निकाला जाएगा। ये प्रॉपर्टी की तरह ये समझ लीजिए, छोटा सा पीस है बच्चे रानी के अंदर, और दोबारा सफाई में ये। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।